Assalamualaikum. My name is Hassan Chaudhary. You're tuned into Something Hot. This is the midweek review. Assalamualaikum, Amna. Waalaikum Assalam, Hassan. Aapke roze kaise chal rahe hain, mashallah se? Allah ka shukr hai, Amna. Bade zabardast ja rahe hain. Haan. Wo wala feeling nahi aa rahi jo usually Ramzan mein aati hai ki aap kaam bhi kar rahe hain, masjid bhi ja rahe hain. But in halaat mein, jin halaat mein hum hain, un hisab se acche ja rahe hain. बिल्कुल ऐसा ही है. और बच्चे तो बिल्कुल हॉलीडे मोड में जा चुके हैं. वो तो पूरी रात, बच्चे क्या, आप भी हॉलीडे मोड में पूरी रात आप जागते हैं और पूरा दिन आप सोते हैं. और हम जैसे मजदूर हैं जो सुबह 7:30-8 बजे उठ जाते हैं, इररिस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग एल्स. एनीवे, आपको किसने कहा कि 7:30-8 बजे आप उठ के बैठ जाएं, 5 बजे सहरी करके, 5 बजे सहरी करके 7:30-8 बजे उठ के 2 घंटे की नींद का क्या आमना फिर फायदा हुआ, बताया ना मुझे. दोपहर को सोती हूँ, आप लोगों के फोन आने शुरू हो जाते हैं काम से रिलेटेड. एनीवे हसन, रुक जाएं, आप पहले ये बताएं, सब बातें छोड़ दें, ये बताएं आपने ड्रामे देखने हैं कि नहीं सारे. हाँ जी, मैंने जो 4 ड्रामे आज हमने रिव्यू करने हैं, नेमली मुकद्दर, इश्किया, दिलरुबा और सबात, उनमें से मैंने 3.5 ड्रामे देख लिए हैं. इश्किया मैंने आधा देखा है क्योंकि उसके बाद मुझसे देखा नहीं गया, और बाकी तीनों मैंने पूरे पूरे देखे हैं. तो आप मेरे ख्याल में इश्किया से शुरू कर लें. नहीं, आप पहले बताएं चारों में से आपको बेस्ट कौन सा लगा? सबात. और वर्स्ट? इश्किया ऑफ कोर्स, जो मैंने आधा देखा और फिर देखे नहीं गया मेरे से. चलें फिर शुरू बिस्मिल्लाह करें फिर. नहीं, मेरे पास तो कुछ है नहीं कहने के लिए. वो मैंने फिर आपके इसरार पे और ऑडियंस के इसरार पे देखना शुरू किया, अपने प्यारे व्यूवर्स के इसरार पे. और वो वहां पे आके मेरी बस हो गई कि जहाँ पे उसने फिरोज ने फिर फोन लगाया रमशा खान, और फिर रमशा खान ने फोन काटा, और फिर उसने फिरोज ने रमशा को नहीं लगाया, हमजा ने उसको लगाया है. सॉरी, हमजा ने हमना को फोन लगाया है, और हमना ने अपेरेंटली अब ब्लॉक भी कर दिया हमजा को. वो उसको देखें यार, ये मैं पूरे दुनिया के बिहाफ पे हमना का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि उसने फाइनली फिगर आउट कर लिया कि ब्लॉक जैसी भी कोई चीज होती है. लेकिन वो ब्लॉग जैसी चीज फिगर आउट करने के बावजूद अब जब हमजा ने उसको दूसरे नंबर से फोन करना शुरू किया तो वो फिर भूल गई है कि ब्लॉग जैसी कुछ चीज होती है, तो अब वो नहीं ब्लॉग कर पा रही. वो मुख्तलिफ नंबरों से फोन कर रहा है. अच्छा नहीं, बट जोक्स अपार्ट, द थिंग दैट द रीजन व्हाई वी वर वाचिंग इश्किया और लास्ट वीक के एपिसोड हमें इसलिए अच्छी लगी थी कि जो हमजा का और रूमी का केमिस्ट्री, जो हमजा की और रूमी की केमिस्ट्री बन रही थी, वो बड़ी क्यूट बन रही थी. जब वो जिम जा रहे थे या जब वो उसको मॉन्टेसरी छोड़ने जा रहा था और उसको नई एड्रेस पता था, एंड द फैक्ट दैट यू कैन सी दैट शी इज वेरी एनिमेटेड एंड शी इज फॉलिंग इन लव विद हिम. और उसकी बहन ने भी कुछ उसको ऐसी बातें बताई हैं कि वो बिल्कुल उसको देख के गेज करना शुरू हो गई ना, गेज सी. तो जो दूसरी तरफ आपको आपने फिल्म याद है पुरानी, एक होती थी जिंदा लाश, तो मैंने हाँ, सुना है उसके बारे में. हाँ जी, तो जो रावी के उस पार जो हमारी जिंदा लाश बहन है हमना, वो वही की वही है जहाँ पे वो पहले थी. और जब उसकी दोस्त बैठ के, अच्छा नहीं सॉरी, मैं आई डाइग्रेस क्योंकि इतना कुछ क्लॉस्ट्रोफोबिक सा हो गया ना सारा. लास्ट एपिसोड थी बिकॉज ऑफ देयर केमिस्ट्री. इस एपिसोड में देयर वाज नॉट इनफ ऑफ देम फॉर अस टू एंजॉय देयर केमिस्ट्री, देयरफॉर इट वाज अ वेरी डल एपिसोड. या ओके, I would second your thoughts and opinion on this because मैंने तो जितना देखा है 20 मिनट का, मुझे तो कोई खास इतना interesting और entertaining नहीं लगा. और जैसे मैंने आपको पिछली बार request की थी कि अगर मुझे देखना ही है तो मैं तो सिर्फ रूमी और हमजा के scenes देखूंगा, लेकिन वो भी कोई मुझे खास इस वक्त इस episode में attract नहीं कर पाए. मतलब है कि हमना का मियाँ जो है बेचारा अजीम, वो उसको पूछ रहा है कि तुम्हारे चेहरे पे उदासी कैसी, तो वो आगे कह रही नहीं कुछ नहीं, और मेरे दिमाग में आवाज आ रही है ओ भाई मेरी शक्ल ही ऐसी है. मतलब शी इज सो डल एंड आई डोंट अंडरस्टैंड अजीम्स कैरेक्टर. इज ही अ गुड गाय, इज ही अ बैड गाय, इज ही ग्रे, आई मीन व्हाट इज हिज रोल इन हर लाइफ. देन यू नो, जैसे रात को वो बिस्तर पे आके बैठता है तो वो कहती है मैं जा रही हूँ आपकी अम्मी के साथ थोड़ी देर स्पेंड करने, तो मैं सोच रही हूँ कि यार तुम पूरा दिन तुम्हारे पास था, तुम्हारा मियाँ घर आया है, और एग्जैक्टली यही बात उसकी माँ कहती है, ये कौन सा वक्त है मेरे पास बैठने का, पूरा दिन तो अपने कमरे में तुम लॉक रही हो. तो शी इज ऑब्वियसली नॉट हैप्पी. जो रूमी है शी इज ओवरली हैप्पी फॉर नो रीजन, तो इट मेक्स एब्सोल्युटली नो सेंस. बट यू विल कंटिन्यू टू वॉच एंड रिव्यू इट. द थिंग इज दैट आई हैव टू रिस्पेक्ट द व्यूअर्स
यू नो रिक्वेस्ट, इतना हमें लोगों ने कहा कि इश्किया को करें प्लीज करें करें करें, तो अब मेरा इसमें नहीं, तो गाय मेरा नहीं ख्याल कि इतना कोई लोगों का ओवरवेलमिंग फीडबैक आया है पिछले एपिसोड के बाद। तो खैर इस बार पूछ लेते हैं हम अपने व्यूअर्स से, प्यारे व्यूअर्स बताएं अगर आप चाहते हैं कि हम इश्किया को रिव्यू करते रहें तो कमेंट में बताएं, और अगर आप चाहते हैं कि हम इश्किया को रिव्यू करना छोड़ दें तो भी कमेंट में बताएं। अब ये डिसीजन आपके हाथों में। एनीवे मूविंग ऑन टू मुकद्दर। आप कर लें, क्या कह रही है? मैं कह रही थी इडियोटिक सी बात है ना कि वो कॉलेज में बैठी हुई है तो उसकी बहन कह रही है कि तुम अजीम भाई का ख्याल करो और तुम बता दो रूमी को, तो वो कहती है अगर एक खाली मेरी बात होती तो मैं बता देती, लेकिन अब तो रूमी भी इन्वॉल्व्ड है, और भाई तुमने जब मौका था उस वक्त तुम्हारे तक बात थी तुमने उस वक्त की नहीं। इट्स अ टेरेबल स्टोरी, इट्स अ टेरेबल प्लॉट, एंड आई मीन आई थिंक वी शुड मूव ऑन। ओके, अच्छा टॉकिंग अबाउट मुकद्दर, मुझे ये एपिसोड को खास नहीं लगा। एक तो जो उन्होंने ऐड कर दिया 10 मिनट का रिकैप शुरू में, पहले वो उस टॉर्चर से गुजरो, उसके बाद नथिंग रियली हैपेंड इन दिस एपिसोड। मुझे आ जाके यही बात समझ में नहीं आती कि वो जो हमारा साद भाई है वो अपना हक एकदम से कैसे जिताना शुरू हो गया। परसों तक तो उसको प्यार ही नहीं था उस लड़की के साथ, ना वो उसको देखता था, ना वो डिनर करने जाते थे, अपने मोबाइल में लगा रहता था। अब एकदम उसको उससे प्यार हो गया, वो हक जिताना, प्यार नहीं हुआ जो भी हुआ, बट अपना हक जिताना शुरू हो गया, तुमने मेरे नाम की अंगूठी पहनी हुई है, वो हेलो किधर, ऐसा मीसना बन गया, वो कोई ऐसा मीसना बन गया। उसको पूछे वो अंकल तुम छुप छुप के दूसरी लड़की की तस्वीरें देख रहे हो, यू आर नॉट समबडी एल्स, अब तुम भप्पे कोटन बन गए हो बहुत बड़ी, और तीलियां लगा रहे हो अपनी अम्मी अम्मी जी कोट अनकोट को कि आपकी ये, इसको पूछे किधर थी, मतलब है कि व्हाट इज दैट, और खुश भी हो रहा है जब उसको डांट पड़ रही है, और बाद में भी कहते हैं हाँ हाँ ये वो, आई मीन हिज बिहेवियर वाज कंप्लीटली ऑफ। I didn't think it was a bad episode at all. I thought it was a very strong episode because उसमें आपकी जो development बता रही है, I don't know the actress's name, but जो सरदार सैफ रहमान की बीवी का role अदा कर रही है, the first wife, she is such a graceful woman, और इतना अच्छा उनका character है और इतना अच्छा वो act कर रही है कि you know this was about her finding out that her husband is married and he's married Rama. So those last 5 minutes were very important. फिर Rama का जो पूरा scene होता है जब वो मामू मामी के यहाँ जाती है और वो हारिस को ये कहती है कि मैं जो तो सब कुछ मिल गया तो मैंने तो अपनी खुशी से किया है, और वो उसकी बेइज्जती करता है, बट ही हैजंट रियली बिलीव्ड हर, बिकॉज़ अगले एपिसोड में हम देख रहे हैं कि वो कहता है नहीं मैं बर्बाद कर दूंगा, ही इज इन अ रेज। सो अच्छी डेवलपमेंट है, एक्टिंग सबकी बहुत अच्छी है, बहुत ठहराव के साथ ये चल रहा है, कोई हाइपरबली नहीं है, कोई चीखम धार नहीं है, ठीक है इट्स नॉट अ वेरी न्यू आइडिया, इट्स नॉट अ वेरी न्यू स्टोरी, बट इट्स ट्रीटेड वेरी वेल, सो आई एम एंजॉयिंग इट। दूसरी तरफ वो जो लड़का है अपना, ये जो रायमा का मंगेतर था, नहीं रायमा का मंगेतर जो था हारिस, तो हारिस जो है वो उनके घर में पहुंच गया। पिछली बार जब वो घर में जाने की कोशिश की थी गार्डों ने बाहर से उसको भगा दिया, तो उसको घर के अंदर किसने जाने दिया और वो कैसे पहुंच गया घर के अंदर? वो माँ ने इजाजत दी है ना उसे, क्या बैठे आप बताए आप क्या कहना चाहते, किस कॉन्टेक्स्ट में कैसे कैसे पहुंचा? वो बोला होगा मैं उनको सरदार साहब की बेबी को मिलने आई हूँ, उनने कहा होगा कि हाँ बिठाओ पिलाओ, बिकॉज वो फॉरन नौकर लेके आता है पानी शानी, तो शी हैज प्लेड हर कार्ड्स वेल एंड शी सेड कि मुझे ऑफ कोर्स आई नो बट शी डजंट, एंड व्हेन ही सेज कि वो रायमा ये मैं छोड़ूंगा नहीं, तो उसको फिर एहसास होता है कि हु ही इज मैरिड, एंड व्हेन ही लीव्स हर एक्सप्रेशन एंड दैट शॉक एंड एवरीथिंग, इट वाज अ वेरी गुड सीन, बहुत स्ट्रांग सीन था। ठीक है, एनीथिंग एल्स यू'ड लाइक टू ऐड? मुझे इतना कोई खास नहीं लगा एपिसोड, इसलिए मेरे पास कुछ ज्यादा ऐड करने को नहीं है मुकद्दर के बारे में। इसमें क्योंकि कोई प्यारी सी इरम नहीं है, कोई प्यारी सी मासूमा नहीं है हसन, तो आपका इंटरेस्ट नहीं बन रहा, मैं समझती हूं। कोई नहीं, इंटरेस्ट की बात नहीं, मैं फैसल कुरैशी के सीन्स को बड़ा एंजॉय करता हूं, लेकिन इस बार उनका एक ही वो सीन था जब वो घर आते हैं और उनकी कॉन्वर्सेशन होती है अपनी बेटी के साथ, मुझे एक सेकंड को लगा कि उनकी बेटी शायद बता देगी उनको और वो बेटी का बेटी की ही साइड लेंगे जैसे वो है, लेकिन बेटी ने बताया भी नहीं और फिर वो नहीं हुई, कॉन्वर्सेशन नहीं हो सकी। बट एनी वे मूविंग ऑन टू दिलरुबा, बड़े एक मजे की एपिसोड थी और वो एंड तक सही जा रही थी, लेकिन जो एंड में उन्होंने ये जो क्लाइमेक्स उसका दिखा दिया ना एपिसोड का, वो मुझे समझ नहीं आया थोड़ा सा। मात्र आप बिल्कुल एंड पे पहुंच गए हैं, लेकिन इसमें बहुत से इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स जो हैं इस एपिसोड में एड्रेस हुए हैं। पहली बात तो ये है कि ये जो पूरी स्टोरी है दिलरुबा की, इट्स अ वेरी मॉडर्न स्टोरी, कि आपको दिखा रहे हैं कि वाकई ये 2020 में बनाई गई कहानी है। इट डजंट सीम ऑब्सोलीट कि ऐसी लड़कियां होती हैं,
जो अपने आगे पीछे बहुत से लड़कों को लगा देती हैं, यू नो, पीछे अपने लगा लेती हैं और फायदा लेती हैं, तोहफे लेती हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा. द होल सोशल मीडिया एंगल कि यू नो फोनों पे मोबाइल फोन कल्चर और टिकटॉक पे वीडियो बनाना एंड यू नो फिर लड़के वो वीडियोस देख रहे हैं वो सारा. और उसका टिकटॉक टिकटॉक नेम उसका सनम डॉट बेवफा, जो कि सलमान खान की मूवी थी एक सनम बेवफा. हाँ जी, सनम डॉट बेवफा. सो मेरा ख्याल था कि ये इस पूरे एपिसोड को बहुत खींचेंगे और 3-4 एपिसोड पे ये अनरावल होगी इस कहानी, लेकिन इन्होंने तो एक एपिसोड में 2 लड़कों की तो स्टोरी मुख मुका कर दिया. सबसे पहले हमारा बच्चा सभी आता है शुरू एपिसोड के गजरे लेके सनम के लिए, और आई मस्ट से कि थोड़ा ओछा हो जाता है बिकॉज गजरे देना ठीक था, वो भी इट वॉज अ बिट फॉरवर्ड, पर चलो दे दिए. तो उसके बाद कहा मैं पनाह भी दूँ, अच्छा काका तू पनाह भी दे. उसके बाद हाथों पे चुम्मियां करने की कोई जरूरत नहीं थी, तो ही गेट्स अ बिट कैरिड अवे, चला जाता है बेचारे को ख्याल आता है फोन रह गया, वापस आता है तो वो सुन लेता है कि सनम तो उसकी बिल्कुल पैकअप उसको कर रही होती है, अपनी बहन को बता रही होती है कि अपनी शक्ल देखिए और पागल हो गया. बट शी इज राइट, आई मीन नॉट द शक्ल पार्ट बट द फैक्ट दैट ये तुमसे आधी उम्र की है भाई. तुम्हें बड़ी बेटी का रिश्ता दिया नहीं मुमानी ने तुम्हारे, तुम्हारा ख्याल है कि सनम का देंगी. बट देन सनम हैज बीन लीडिंग हिम ऑन एज वेल, कि वो पूछता रहा है कि तुम्हें मोहब्बत हो, कहने की कि आपको पूछने की भी जरूरत है, तो शी इज कम्प्लीटली लेड हिम ऑन. तो ये बड़ा अच्छा था. फिर उसके कानों में बार बार गूंजती है कि अपनी शक्ल देखे और ऐसा रंग अपना और अपनी उम्र देखे. And that's a very sensitive subject. I think it was good execution. एक जो सीन है ना वो उसकी अम्मी आई है जब जुनैद की, तो जुनैद की अम्मी से वो पूछती हैं मरीना खान का जो कैरेक्टर है कि जी आप कौन है. मैं तो आगे से कहती हैं कि मैं जुनैद की वालदा. तो वो आगे से कहती हैं जुनैद कौन, तो कहती हैं जी मेरा बेटा. तो आगे से कहती हैं अच्छा अच्छा अच्छा. वो मुझे अजीब सी लगी वो बात कि वो कैसे उन्होंने वो जो राइटिंग हुई थी थोड़ी सी मुझे ऑड लगी. तो या तो वो एक चीज मैंने जो ऑब्जर्व की. बट बाकी पूरा जो एपिसोड था, ऑफ कोर्स हानिया की एक्टिंग बड़ी जबरदस्त थी, मोहिब की एक्टिंग भी मुझे पसंद आई बड़ी, जो स्पेशली व्हेन ही फाइंड्स आउट के व्हाट सनम एक्चुअली थिंक्स अबाउट हिम, तो वाज वेरी गुड. देन जब उसका पूरा वो होता है सीन रजी का, और उसके जो लड़की का जो बाप होता है वो कहता है रुक जाओ जोरा या जहरा, तुम्हें कोई जरूरत नहीं है. साथ ही माँ कहती है नहीं नहीं तुम जाओ. बाप उधर ही मीसना बन के मासूम सा बन के कहता है अच्छा हाँ मैं क्या करूँ. जैसे मैंने कहा ना कि सभी का और जुनैद वाला पार्ट बिल्कुल सही था, तो जुनैद की माँ पहुंच जाती है बिकॉज उसका इतनी मन तो मुरादों का बेटा है, तो वो कहती है मेरे बेटे को ना कोई तकलीफ हो, मैं उस लड़की को तुम्हारे कदमों में लाके डाल दूंगी, which is such a bad, bad concept, you know. But women feel that way and women think that way. Or you know, even खानदान की आपके अपने इर्द गिर्द देखें जिन औरतों के बेटे होते हैं वो सोचती हैं कि ओहो पूरी दुनिया की लड़कियां जो हैं वो हमारे बेटों पे आशिक हैं और यू नो हम दुनिया अपने बेटों के कदमों में रखते हैं. We have this son culture, of course. तो you know. But talking about that final scene now, जब वो बहुत जल्दी जल्दी सारा कुछ हो गया, मुझे honestly वो believable बिल्कुल भी नहीं लगा कि just because दो अंकल घर पे आके ये बात कह रहे हैं कि नहीं तुम उन अंकल का क्या लेना देना भाई के. और दूसरी बात पहले आप आगे चले गए, उससे पहले जो एक एपिसोड होता है कि जी वो अपनी आंखें और छींके मारते हुए वापस आ रहे होते हैं मेहंदी से, मुझे तो लगा कि अभी कहेंगे इनको कोरोना हो गया है शाहरुख का. रनी नोजेस लेके जो वापस आते हैं तो वो कहते हैं कि जी उन्होंने तो फूलों में मिर्च डाली नहीं थी. वहां पे ये होता है कि उन्होंने एक्चुअली डाली नहीं होती, कोई एक आंटी बीच में तकलीफकार होती है, वो मिर्चें ऐसे गोल गोल के डाल देती है. बहरहाल वो जो उन आंटी ने क्यों किया है, वो उन आंटी ने क्यों किया है, वो उनका क्या मकसद है कोई मकसद. हाँ इट वॉज पोअर राइटिंग, दैट वॉज पोअर राइटिंग. और फिर जी जोया लड़की है वो फोन करती है, वो कहती है अपनी अम्मी से को माफी मांगे आके, वो कहता है वो कभी नहीं मांगेंगी और हम बड़ा बर्दाश्त कर रहे हैं. शादी के दिन अमीन अब तुम शेरवानी पहन के खड़े हुए हो वहाँ, उसको वो तुम तैयार हो दुल्हन को वो कह रहे हैं कि मैं पार्लर जा रही हूँ तैयार होने, तो माँ कह रही है कि मत जाओ. सो द होल टाइमिंग आखिर में जाके बहुत हैप्पी हो गया. बॉटम लाइन ये होती है कि
बॉटम लाइन ये होती है कि जी रजी आता है और वो कहता है कि मैंने तो ये शादी नहीं करनी, और उसकी माँ कहती है नहीं मैं माफी मांगूंगी, वो कहता है आप बिज मत मांगे, मैंने तो मामला खत्म कर दिया है। तो फिर एक अंकल आउट ऑफ द थिन एयर, ऐसे अचानक से एक अंकल बुजुर्ग आ जाते हैं, क्योंकि वो माँ कहती है ना बुजुर्गों की बात सुननी चाहिए, तो एक बुजुर्ग अंकल आ जाते हैं और वो कहते हैं कि इस घर में इतनी मायूसी है और इतने गम के बादल है कि यहाँ फौरी तौर पे एक खुशी आनी चाहिए, तो चलो जी आप ये तो शादी करते हैं। It was so absurd. लोगों की शादियां भी इसलिए होने लगी है कि घर में बड़ी अफसुर्दगी है, मतलब उसकी शादी अगर नहीं हुई और वो इतना कोई बड़ा मैटर भी नहीं था, चलो अगर हो भी गई यूजली वो भी गलत है, बट यूजली हम देखते हैं कि एक लड़की की अगर बारात चली जाए वापस तो वो बड़ा होता है कि जी वो लड़की की बारात चली गई, इज्जत बेइज्जती का मामला, तो लड़की की आप शादी करा दो किसी और के साथ, जैसे किसी और लड़के को आपने ढूंढा और फिर आपने शादी करा दी, बट ये तो एक लड़का है और वो खुद कह रहा है कि मैंने उस लड़की के साथ ही शादी करनी, तो फिर एकदम उसकी दोबारा या किसी और के साथ शादी कराने का क्या मकसद था, मुझे नहीं समझ। क्या मकसद था? कोई मकसद नहीं था, मकसद यही था कि स्टोरी आगे चलती। और फिर मैं यहाँ पे ये कहना चाहूंगा कि लैला जी हमारे अक्सर, और पहले तो अपोलॉजीज के पिछली बार हमने उनका नाम गलत कह दिया, हमने लैला वास्ती की जगह सारा वास्ती कह दिया, तो वी अपोलोजाइज, बट लैला वास्ती जी हमारा रिव्यू देखती हैं और वो कमेंट भी करती हैं, तो मैं उनसे चाहूंगा कि वो हमें इसके ऊपर अपना ओपिनियन दे, कमेंट करके बताएं कि क्या थॉट प्रोसेस था राइटर्स का और सबका इसको इतना एक्सपीडाइट कराने का शादी को। मैं ये कहना चाहूंगी वैसे कि लैला जी हैं बहुत खूबसूरत, और जब वो अपनी बेटे की मेहंदी के लिए तैयार होती है ना, तो उन्होंने जो लाइट से पिंक का जोड़ा पहना होता है और उसके अंदर ग्रे रंग ग्रे सिल्वर उनका एम्ब्रॉयडरी होती है, तो उनकी आंखें लाइट है ना, तो उसी रंग का उन्होंने आई शेड लगाया होता है, बड़ी जबरदस्त उनकी कलर कॉम्बिनेशन थी, एंड शी लुक वेरी एलिगेंट, एक्सट्रीमली एलिगेंट ऑन बोथ इवेंट्स। लैला जी इफ यू आर वाचिंग वी लव यू। अच्छा, आई मीन शी ब्यूटीफुल। या ठीक है, तो ये हुआ, तो वो मुझे बिल्कुल भी वो चीज समझ में नहीं आई, तो मेरा यही प्रॉब्लम एक था इस पूरे एपिसोड के साथ कि वहां तक वो बड़ा जबरदस्त जा रहा था, बट एंड में ये जिस हिसाब से ये शादी हुई है और फिर वो मान भी गई, लड़की भी फौरन ही मान गई, मतलब उसके पेरेंट्स ने भी नहीं कहा कि ये अभी पढ़ रही है, पता नहीं, मतलब जहाँ पे भी वो पढ़ रही है पेरेंट्स की बात नहीं, वो बात बिल्कुल समझ आती है, क्योंकि उसकी माँ जो है ना सनम की, वो उसको समझ आ गया कि ये बच्ची पटरी से उतर चुकी है, जितनी जल्दी इसकी शादी करके इसको ठिकाने लगाओ उतना बेहतर है कि लोगों को कानों कान इसकी हरकतों का पता ना चले, उनके पॉइंट ऑफ व्यू मुझे बिल्कुल समझ आता है, और उनको समझाया भी सनम को यही है कि इतना अच्छा लड़का है, खुश शक्ल है, गोरा चिट्टा है, लंदन में काम करता है, तुम ऐश करोगी, इट अपील्स टू हर। और फिर जब वो सभी की तरफ देखती है और माँ ने कहा था कि तुम्हारी अब सभी से शादी होगी, तो वो कहती है कि बिटवीन द डेविल एंड द डीप ब्लू सी, यही हाँ मान जाओ, वो बात समझ आती है बिल्कुल। बट इरम को तो पता है कि सनम उज लीडिंग सभी ऑन, तो इरम ही यहाँ पे कह देती यार कि ये तो बड़ी ऑकवर्ड सी एक पोजीशन हो जाएगी, बट इरम ने भी कुछ नहीं कहा। नहीं, अभी देर अपनी इज्जत बचाने की उनको पड़ी हुई है कि इतना इसने बदनामी कराई भी है, और कल को जुनेद का बाप भी आ जाएगा, जुनेद भी आ जाएगा, उसकी माँ भी वापस आएगी, वो कह रही है मैं तो करा के रहूंगी, और सभी के साथ भी इसने ये हैंड किया हुआ है, तो बेहतर है कि इसको तो कराओ। और वो अयाज के पास तस्वीरें भी हैं, ये तो इनको नहीं पता, वो ये नहीं सोच रहे कि जुनेद को पता चलेगा तो वो उसका क्या रिएक्शन होगा, या वो पहुंच ना जाए, या सभी जो है वो खुद इंटरेस्टेड था तो ये उसकी भाभी बन के जाएगी, तो मतलब है कि आफ्टर मार्क्स वो कोई नहीं सोच। डेवलपमेंट हुई अच्छी है, लेकिन हुई जिस हिसाब से वो मुझे थोड़ा सा समझ नहीं आया, बट लुकिंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट एपिसोड, आई थिंक इट्स टेकन एन इंटरेस्टिंग टर्न। आई डोंट वांट टू कंप्लेन, बिकॉज़ जब ये लोग स्ट्रेच करते हैं तब हम कंप्लेन करते हैं कि जी इतना स्ट्रेच कर दिया, अब उन्होंने एक एपिसोड में तीन सभी जुनेद रजी तीनों के डिजम 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 करके इन्होंने तीनों चीजों को स्टोरीज को रैप अप कर दिया है। आई एम नॉट कंप्लेनिंग, आई रियली एंजॉयड इट। ठीक है, अच्छा जी, मूविंग टू नाउ सबात, व्हिच आई थॉट वाज माय फेवरेट ड्रामा ऑफ द वीक, क्या जो पिछले तीन चार दिन है, बड़ा क्यूट एपिसोड था, बड़े उनके अनाया और हसन के क्यूट मोमेंट से, पहले हॉस्पिटल में जब वो उसको गोली लग जाती है और वो अनाया कहती है कि डॉक्टर साहब प्लीज प्लीज आपकी भी बेटी होगी, आई थिंक मावरा डिड अ फैंटास्टिक जॉब देयर, मुझे बड़ा अच्छा लगा वो सीन, और फिर इवेंचुअली ऑब्वियसली जब उनके फोन के ऊपर कॉन्वर्सेशन हुई और उसने कहा आई लव यू, और मावरा ने कहा अम्मी आ रही है मैं तुमसे बाद में बात करूंगी अगेन, तो मेरे लिए ये दोनों चीजें जो थी ये हाईलाइट थी एपिसोड का, मुझे बहुत मजा आया। इसके अलावा एज सच स्टोरी बढ़ी है आगे, बट इन दोनों की उस तरह से आगे नहीं प्रोग्रेस की, ये हमें पता चला है कि जो मिराल है
उसको साइकोलॉजिकल अब इश्यूज होना शुरू हो गए हैं. उसको ऑब्वियसली उसकी नानी नजर आती है और फिर जब वो नानी की तस्वीर लगी देखती है तो वो कंप्लेन भी करती है कि ये आपने क्यों लगा दी है. तो ये हेलुसिनेशंस उसको जो आना शुरू, इसे हम ये अज्यूम कर सकते हैं कि इसको आगे चल के साइकोलॉजिकल इश्यूज होंगे. इवन तो सारा खान ने मेरे इंटरव्यू में कहा था कि उस्मान मुख्तार जो कि साइकेट्रिस्ट का रोल प्ले कर रहे हैं उनका और इनका वो मतलब इनके डॉक्टर नहीं होंगे, बट अगर इनको हो गए हैं अब साइकोलॉजिकल इश्यूज और वो एक हैं डॉक्टर और साइकेट्रिस्ट, तो किसी ना किसी तरह से इनका मिलन तो होना ही है. सो आई थिंक यू आर एब्सोल्युटली राइट. जो इनाया का और हसन की, जो इनाया की और हसन की केमिस्ट्री है वो बहुत, इट वाज द हाईलाइट ऑफ दिस एपिसोड. आई थिंक इट वाज एक्सट्रीमली क्यूट. जहाँ से जहाँ जहाँ वो दोनों एक स्क्रीन में होते हैं वो जबरदस्त सीन्स होते हैं. बेशक वो टेलीफोन कॉल हो या वो उसके पीछे पीछे पार्क में जा रहा हो अपनी कैब को मोड़ के, या फिर हॉस्पिटल जाना है, शी इज ड्राइविंग एंड ही सिटिंग नेक्स्ट टू हर, अब फिर वो उसको ड्रॉप करने जा रही है, फिर वो कॉल कर रहा है रात को, वो दैट इज ऑल दैट वॉज इन दिस एपिसोड. इसके अलावा इस एपिसोड में कुछ नहीं था. और आई हैव टू से कि अल्टीमेटली, अच्छा बहुत लोगों ने पूछा ऑन आर लास्ट वीडियो, नहीं वीडियो में पूछा था, नहीं मैंने ट्वीट की थी, तो बहुत लोगों ने मुझे ट्वीट करके ये बोला कि ओ अब कहाँ गई इनाया की इमेंसिपेशन, और ये इतनी इंडिपेंडेंट वुमन बन रही है और फौरन इसको तो प्यार हो गया, अभी शादी के लिए तैयार है, why can't she stand up and say no I want to work first and able. So guys, the thing is ki the both things don't have to be independent of each other. You can be an independent woman and you can also be in love. Agar wo kal ko ye bolti hai ki main apni naukri chhod ke aur ghar baith ke hasan ki khidmat karungi to tab main kahungi ki ye badi chawal nikli. But agar wo kaam karti hai aur shana bashana uske sath, you know, they grow together, they live together, they marry शादी के बाद ऑब्वियसली, तो आई वुड से दैट्स अ परफेक्ट आइडियल लाइफ. आई मीन व्हाई वुड यू प्रेजेंट हर दैट. बट मुझे ये बात बड़ी बुरी लगी कि जब वो उसकी दोस्ती आती है नाया की और उसकी अम्मा बेचारी सर पर दुपट्टा ऐसे पीछे करके और धोबियों की तरह कपड़े भी उठा रही हैं और कर रही हैं और चाय भी खुद ही बना रही हैं और बच्चियों को बिस्किट भी खुद ही दे रही हैं, वो मुझे बात पसंद नहीं आई. क्योंकि वो पता नहीं क्यों कुछ फ्लॉज थे ना, कि मतलब इतना बड़ा इनका घर है, नाया का घर कोई छोटा नहीं है, अच्छा खासा बड़ा घर है. Why don't they have a maid? Why don't they have a single helper? यार छोटे से छोटे घरों में भी पार्ट टाइम हेल्प होती है जो सुबह आके तीन काम कर लेती है, कपड़े धोना, सफाई करना और रोटियां पकाना, या कोई भी तीन काम. तो इतनी बुजुर्ग औरत है, वो इतनी भारी बाल्टी उठा के बाहर आ रही है और कपड़े डाल रही है. आई अंडरस्टैंड दैट दे आर ट्राइंग टू ड्रॉ अ कॉन्ट्रास्ट कि उनकी ये जिंदगी है और ये सोच है, और नाया की ये जिंदगी और ये सोच है, बट इट डजंट make sense visually, it just is bad. acha dusra ye hai ki jahan tak miral ka character hai wo hame pata chal raha hai mazid ki she's a wreck, she's an emotional wreck right now. nani ki baatein wo diary par padh ke wo pagal ho rahi hai, but there were flaws in her scenes this time. for example, jab hasan apne kamre mein hota hai aur bahar knock hoti hai to wo kehta hai aa jaye, to wo aise bhagi bhi aati hai jaise ki darwaza tod ke andar aayi hai, jabki tod ke to nahi aayi, wo to bahar khidkhida rahi hoti hai. That was very weird. और फिर कह रही है तुम मेरा गरूर हो. मुझे आप प्लीज ये समझा सकते हैं कि कोई एक इंसान दूसरे का गरूर कैसे होता है? प्लीज मुझे एक्सप्लेन. जब आप बहुत प्राइड लेते हैं किसी के अंदर और आप बहुत क्लोज होते हैं उनसे और आप समझते हैं कि यार के आपकी उनकी जिंदगी में बहुत ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन है और उनकी आपकी जिंदगी में एक बहुत बहुत वैल्यू है, तो आप इस तरह की टर्म इस्तेमाल कर सकते हैं उनके लिए कि आप गरूर हो मेरा, कि आपकी वजह से मैं, मुझे फख्र होता है ना, आई फील that you add or bring great value to my life. theek hai, I think it's a fair statement. aap gharur par jate hain to ye jo hai iska bhai ka gharur hai. bhari dialogue hai na, ek koi dialogue hote hain jinka literal meaning mein aapko nahi jana hota, matlab theek hai. jo inaya hai wo hasan ki izzat ban chuki hai ki wo meri izzat hai, kuch na kehna hai iske aage ye wo, to matlab gharur izzat. theek hai, aap kehte hain ek scene aur jo jab wo pura, wo bhi important ek track tha ki wo अनाया अपनी दोस्त को हेल्प करने के लिए जाती है, उस लड़के को बुलाती है, लड़का बदमाश टाइप होता है और वो गोली चला देता है, हसन इज देयर टू सेव हर. तो हसन को जब गोली लगी तो मुझे उसका रिएक्शन ऐसा नहीं लगा कि वो उसको गोली लगी है, मुझे लगा कि उसको जैसे वटा मारा किसी ने और उसके बाद मतलब इतना कोई, मतलब आई कैन अंडरस्टैंड कि गोली उसको छू के गुजर गई, बट स्टिल आई मीन द रिएक्शन कुड हैव बीन अ बिट स्ट्रॉन्गर देयर. आई थिंक द ओवरऑल डायरेक्शन का भी थोड़ा सा वहां पे मैं कहूंगा कि लैप्स है, कि उसको उतना नहीं दिखाया कि मैं, आफ्टर ऑल गोली लगी है, अल्लाह माफ करे मुझे कभी लगी थी, बट हमने जब देखा है कि
लगती टीवी पे ही देखे हमने फिल्मों में, तो थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग रिएक्शन होता है, तो उतना स्ट्रॉन्ग रिएक्शन नहीं था उसका। प्लस वो जल्दी से हॉस्पिटल से घर भी चला गया फॉरन ही, तो वो मुझे थोड़ी सी अजीब लगी बात के यार कि ये इतनी जल्दी। पूरा क्लिनिक वाला सीन भी बहुत कि अंकल अंकल करके वो डॉक्टर से, डॉक्टर बेटा बेटा कर रहा है, फिर कह रहा है कि नहीं, और फिर कर भी देता है, तो ये पूरा सीन बहुत वीक था टू बी ऑनेस्ट। नहीं पर लेकिन मुझे उसमें मावरा की एक्टिंग अच्छी लगी, जब मावरा ने डॉक्टर को कन्विंस किया। ओनली ओनली द टू कैरेक्टर्स आर होल्डिंग इट टुगेदर, वरना वो जितना मर्जी कन्विंस कर लेती ना, मेडिको लीगल टर्म्स होती है, डॉक्टर्स इस तरह नहीं ऑपरेट करते। मगर वो गोली उसको ग्रेज करके गुजरी, इट डिडंट पेनिट्रेट हिज स्किन और बोन, तो वो ठीक है, वो भी सही है। I'm interested in Miral's story. आगे क्या होता है? Because obviously नानी की डेथ के बाद भी उसने कुछ नहीं सीखा, और अब वो माँ की जो बेसी करती है कि और माँ के इंसान भी हूँ मैं तुम्हारी, you know, you can tell that she's in a suppressed kind of a environment जहाँ बाप भी दबा रहा है, बेटी भी दबा रही है। And this, by the way, is a very common upper class phenomena कि जो बाप होता है वो बेटियों के साथ इतना close होता है कि बेटी जो है वो माँ को mistreat करती है and treats her like an outsider. बड़ा अच्छा दिखाया है। आई डू थिंक कि जब सारा इट कम्स इनटू बिच मोड तो उसकी एक्टिंग बहुत अच्छी होती है, मगर जो वो एक सीन है जब वो रो रही होती है, कहती है तो मेरा गुरूर हो, इट वाज़न्ट वेरी कन्विंसिंग आई फेल्ट। अच्छा मुझे सही लगा, मुझे सही लगा। और मैं यहाँ पे ये कहना चाहूंगा कि आपके बॉय ने पहले कह दिया था कि ये मावरा और जो अमीर का कपल है इसमें पोटेंशियल है, और वो देख ले अब आपको पोटेंशियल नजर आना शुरू होगी उनके क्यूट मोमेंट से, तो ये आपके बॉय को भी क्रेडिट जाता थोड़ा सा इस बात का। जी बिल्कुल, आप क्रेडिट ले लें। तो ये लग रहा है आगे के एक स्टोरी जो है इंटरेस्टिंग मोड़ लेगी। हमने सोशल मीडिया के तवस्सुत से ये तो देख ही लिया कि इन दोनों की शादी हो जानी है कुछ ही लम्हों में, कुछ ही एपिसोड के बाद। And I would also like to say a word of appreciation to the director, because Islamabad ki sadkon ko kitna achha capture kiya hai. Shehzad Kashmiri. Dekh ke aapko achha lagta hai. You know, nazaron ko aur aankhon ko ek achha lagta hai scene. Ki, you know, pahar dur dur, aur it's just beautiful. Theek hai. Writing ki humne pehle tareef ki thi. Ek aur cheez hume pata chali hai. Mujhe सही से कंफर्मेशन नहीं थी लेकिन अब कंफर्मेशन हो गई है कि जो पिछले एपिसोड में हमने देखा ना, जो उनका फरीद साहब का जो एम्प्लॉई है उन पे केस करता है, वो ही असल में राइटर भी हैं सबात के। अच्छा जी जी, अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ मैंने पढ़ा था। हाँ वो चश्मों वाले, आपने इन्फॉर्मेशन दी है। हाँ तो ये एक इन्फॉर्मेशन है हमारे उन व्यूअर्स के लिए जिनको नहीं पता। तो ठीक है, ये आज का हमारा रिव्यू एपिसोड था, शॉर्ट एंड स्वीट, आई थिंक मजे का था। हमारा कल अदनान सिद्दीकी का इंटरव्यू आया, अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो जरूर देखें। ये दिल मेरा के बारे में उन्होंने बड़ी बातें की हैं, बड़ी एक्सप्लोसिव किस्म की एक दो चीजें उन्होंने रिवील की हैं, तो वो आप जरूर देखिएगा। कब से मैं कह रहा हूँ कि हमारे 200,000 सब्सक्राइबर्स तक पहुंचा दें, लेकिन अभी तक आप लोग नहीं पहुंचा पाए, कोई 800-900 सब्सक्राइबर रह गए, तो प्लीज हमें सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे हिट करें ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आए। यहाँ पे आई वॉन्ट टू थैंक सम ऑफ आवर व्यूअर्स जिन्होंने अपने खुखो ताया चाचा मामा के जाके फोनों से हमारा चैनल सब्सक्राइब किया, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसका फायदा अब आपको ये होगा कि आमना एक बड़ा इंटरेस्टिंग इंटरव्यू कर चुकी हैं, जो कि हम इंशाल्लाह चलाएंगे वेंसडे या थर्सडे को, होपफुली थर्सडे को। आमना मैं रिवील कर सकता हूँ किसका इंटरव्यू था आपने? जी आप बिल्कुल कर दें, और मैं टीजर भी, आप रिवील करें फिर मैं टीजर दूंगी। चले जी, इस बार आमना ने परमिशन दे दी है, तो यमुना जैदी का आमना ने इंटरव्यू कर लिया है। शी इज टॉक टू यमुना इन डिटेल अबाउट प्यार के सदके मै जुबीन एंड अब्दुल्ला एंड मै जुबीन। तो कोई टीजर क्या कह रही हैं आप, क्या देने वाली हैं? मैंने कहा है टीजर ये है कि वी टॉक्ड इन डिटेल अबाउट माजबीन एंड अब्दुल्ला एंड देन अबाउट यमुना एंड बिलाल। मैंने कहा यमुना बात सुनो, मैं ऐसे घटिया सवाल यूजुअली पर्सनल क्वेश्चंस पूछती नहीं हूँ, लेकिन हम इतने इन्वेस्टेड हैं इन कैरेक्टर्स में कि मुझे लगता है जैसे मेरा तो हक बनता है पूछना। जवाब नहीं देना आपने अभी, फिर जवाब नहीं। मैंने कहा मेरा हक बनता है ये पूछना कि जो केमिस्ट्री ऑन स्क्रीन है क्या वो ऑफ स्क्रीन भी है कि नहीं, तो उनका जवाब क्या आता है वो ऑफ कोर्स आप इंटरव्यू में देखेंगे। लो जी, आमना के 1 करोड़ रुपए के सवाल का जवाब कि यमुना और बिलाल की जो ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री है वो ऑफ स्क्रीन भी क्या वैसी ही है जैसी ऑन स्क्रीन है, इसका जवाब मिलेगा आपको थर्सडे को। बड़ा सिंपल है यार, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे हिट करें ताकि हम अगले इंशाल्लाह वीकेंड रिव्यू में जो कि फ्राइडे को आएगा डबल डबल सेलिब्रेट करें। खुदा हाफिज़। और गाइस सेफ रहें,
अपने हाथों को साफ रखें, सैनिटाइज करते रहें, हाथ धोते रहें, घरों में रहें. अभी कोरोना खत्म नहीं हुआ. इट्स अ वेरी डिफिकल्ट टाइम फॉर अस, फॉर एवरीबडी अराउंड अस. हमारे भी बच्चे घर से दूर हैं, वापस नहीं आ पा रहे. रोज दिल चाहता है कि घर से बाहर निकले, नहीं निकल सकते. मगर अब ये वक्त है दैट कोरोनास कर्व इज गोइंग टू गो अप, इट्स गोइंग टू हिट अस रियली बैड, एंड वी नीड टू बी केयरफुल फॉर आवरसेल्व्स एंड फॉर द मेडिकल entire fraternity that is taking care of all the patients. और जैसे कि आपको पता ही है कि रोजाना डेथ की खबरें आती हैं. Things are not looking good. We try to keep our morals up during all of this. We try to keep your moods up during all of this. हम पूरी कोशिश करते हैं कि हम अपने interviews से और अपने reviews से और बातों से आप लोगों को खुश रखें, कुछ hope दें, कुछ positivity create करें. But हालात बहुत बुरे हैं. The only way this will be controlled is अगर आप सब एहतियात करेंगे. सैनिटाइज करें, हाथ धोएं, घर पे रहें, इंटरेक्शन मत करें. और अगर हग्स एंड किसेस देनी है तो जो घर में बच्चे और कुत्ते बिल्ले हैं उनको दें. घर से बाहर मत निकले, दोस्तों को मत मिले. ठीक है, थैंक यू वेरी मच वंस अगेन. वी विल सी यू ऑन फ्राइडे इंशाल्लाह.